दुनिया में पहले मुर्गी आई थी या अंडा आया था, इसका जवाब बरसों से हर किसी के दिमाग में कौंध रहा है और सोच रहे हैं कि आखिर इसका सही जवाब क्या है। इस जवाब की तलाश में बरसों से वैज्ञानिक भी लगे थे, लेकिन अब ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इसका जवाब बिल्कुल सही ढूंढ निकाला है। ब्रिटेन के से फील्ड और बारविक विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस पर एक अध्ययन किया। लेखक डॉक्टर कॉलिन फ्रीमैन का कहना है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक बरसों से इसका जवाब तलाश रहे थे। फ्रीमैन ने कहा, अध्ययन के दौरान कई बरसों तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। अब यह साबित हो गया है कि पहले मुर्गी ही आई थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि अंडे को तैयार होने के लिए ओवोक्लाइडिन नाम का प्रोटीन जरूरी होता है। यह प्रोटीन अंडे के निर्माण के लिए जरूरी होता है। यह खास तरह का प्रोटीन गर्भवती होने के दौरान मुर्गी के गर्भाशय में बनता है। इससे साफ होता है कि पहले मुर्गी आई थी, अंडा नहीं। अध्ययन के दौरान पाया गया ओवोक्लाइडिन प्रोटीन की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट अंडे के खोल में बदलने लगती है। धीरे धीरे यह खोल सख्त होने लगता है। शोधकर्ता डॉक्टर कॉलिन का कहना है, कैल्सिट क्रिस्टल मुर्गियों की हड्डियों और अंडे के खोल में पाया जाता है। जब अंडा पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो यह बाहर आ जाता है। ज्यादातर मुर्गियां हर 24 से 36 घंटे में अंडे देती हैं। ताजे अंडे को रोजाना हटा देना चाहिए, वरना मुर्गी अंडों पर तब तक बैठी रहती हैं जब तक वो दूसरा अंडा नहीं देती। डॉक्टर कॉलिन का कहना है कि पहले मुर्गी आई या अंडा, इसका जवाब तो मिल गया। दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई, लेकिन दुनिया में मुर्गी कैसे विकसित हुई, मुर्गी कैसे आई, और इसका जवाब अभी भी मिलना बाकी है। दुनिया के कई वैज्ञानिक इस सवाल के जवाब को तलाशने में लगे हैं और हमारा भी शोध जारी रहेगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।